कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के महिला विरोधी निंदनीय बयान को लेकर महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमती माया नरोलिया एवं पूर्व मंत्री प्रदेश प्रवक्ता विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस का बयान। रणदीप सुरजेवाला, होश में आओ, क्या यही चाटने वाली शताब्दी अपने परिवार की महिलाओं के लिए स्वीकारोगे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका, सोनिया अपने नेताओं का बयान पर क्यों चुप है? कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रही है। रणदीप सुरजेवाला का बयान शर्मनाक, माफी मांगे कांग्रेस श्रीमती माया नरोलिया, ये बोले सुरजेवाला के दल की संस्कृति को दर्शाता है। सुरजेवाला ने घृणित बयान देकर के महिलाओं के प्रति घृणित सोच को उजागर किया। सोनिया गांधी सुरजेवाला की इस ऊंची हरकत पर शर्मिंदा होने की जगह मौन क्यों है? आप सबको एक बहुत गंभीर और सच पूछो तो भारत की संस्कृति को एक प्रकार से कहीं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और दुनिया भर की महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणी का विरोध करने के लिए और इस विषय को आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए आज आप सबको यहाँ कष्ट दिया। आप जानते हैं कि 31 मार्च के दिन हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के निकटस्थ रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला। खुलेआम मंच पर बात करते हुए आपने भी शायद सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम MLA और MP अपनी बात मनवाने के लिए, अपना विषय विधानसभा और पार्लियामेंट में रखने के लिए चुनते हैं, हम हेमा मालिनी थोड़ी चुनते हैं चाटने के लिए। ऐसा आदमी सोच भी कैसे सकता है? और बोलना तो सच में निंदनीय है। और सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और सुरजेवाला जी ने क्षमा मांगना चाहिए। इस पर एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं। और मैं तो सारे देश भर की कोटि कोटि जनता से और मातृशक्ति से इस बात के लिए अपील करूंगी, आग्रह करूंगी कि कांग्रेस के नेताओं की सभाओं का इस देश में बहिष्कार होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, ये कांग्रेस का स्वभाव है, ये कांग्रेस का भाव है। और कांग्रेस के नेता इस प्रकार के भाव के अभिव्यक्ति समय समय पर निरंतर करते रहे। हम सब इससे भली भांति वाकिफ हैं कि दो दो बार पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर चुकी, अब तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रही, एक वरिष्ठ नेत्री भी और भारत की संस्कृति की वाहक आदरणीय हेमा मालिनी जी का सारा देश सम्मान करता है। सारा देश उनकी सार्वजनिक जीवन की, उनके संस्कृति के क्षेत्र में जो इस देश में उन्होंने योगदान दिया है उसको लेकर हम गर्व से अपना माथा ऊंचा करते हैं। और इतनी ओछी, घीनी, गंदी बात, विचार और उसके अभिव्यक्ति दोनों ही एक प्रकार से कांग्रेस की बीमार मानसिकता का लक्षण नहीं, इस अपने आप में मैं कहूँगी एक लिटमस टेस्ट।
मध्य प्रदेश की एक मुख्यमंत्री महिला को टंचमाल कहती और दूसरा आइटम कहती। हमने पिछले दिनों एक वरिष्ठ वकील भी कांग्रेस के नेता भी सिंघवी जी का वीडियो हमने सुना, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से लालच दिए एक वकील को जज बनने की दृष्टि से। और हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी किस प्रकार शक्ति का, मात्र शक्ति का, इस देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं, जब वे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करते हुए शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। आज मैं आप सबके माध्यम से उन्हें इस बात के लिए ललकारती हूँ कि वे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति से ही नहीं, अगर उनका ये आचरण है, ये व्यवहार है, ये शब्दावली है, ये विचार है, तो देश की शक्ति कांग्रेस को ललकारती है कि वे आए इस देश का सामना करें और ये देश कांग्रेस की संस्कृति का, इस कुत्सित मानसिकता का न केवल विरोध करेगी बल्कि देश की जनता ये सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को कि हम ये देश, इस देश की कोटि कोटि जनता इस प्रकार के व्यवहार को, बात को बर्दाश्त नहीं करेगी।